हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? तो आजकल तो खूब मस्त होके सो रहे होगे ना? अरे नहीं भाई, इतना नहीं सोना है बेटा, थोड़ा जाग कर चलना है, क्योंकि पढ़ना है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का अगला लेक्चर। तो बच्चों पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मन से पढ़ो, समझ के पढ़ो, टेंशन नहीं पालो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चाहे चीज़ें देर से हों लेकिन अच्छे से हों। मतलब समझ समझ के पढ़ना है, और ये अपनी हम आदत अगर बना लेना तो निश्चित है हम आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए खैर हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बेटा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट है हेलिक्स का। हेलिक्स हेलिक्स क्या होता है? एक प्रकार का कर्व होता है जो इस प्रकार की शेप में जनरली ऐसे करके रहता है। जैसे आपने देखा होगा कई पेड़ पौधे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बायोलॉजिकल टर्म क्या है मुझे नहीं मालूम है, कि उनके ऐसे ऐसे करके वो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, गोल गोल घेरे में पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनके जो क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ना हिंदी शब्द याद आ रहा ना उनका बायोलॉजिकल टर्म याद आ रहा है। आपने देखा होगा ऐसे पेड़ों के किनारे किनारे ऊपर से करके चढ़ जाते हैं, तो वो एक प्रकार का हेलिक्स है। तो हेलिक्स भी जो है ना बेटा, एक प्रकार का थ्री डायमेंशनल कर्व है। हेलिक्स हेलिक्स जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप खींच दें ऐसे करके तो वो ऐसे 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 करके हो जाएगी ना, तो वो भी एक प्रकार का हेलिक्स है। ठीक है, तो हेलिक्स क्या है? एक थ्री डायमेंशनल कर्व है, इसलिए उसको यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो हेलिक्स की डेफिनेशन है देखो, वो क्या है एक्चुअली, क्या है यहाँ पर जो हम हेलिक्स पढ़ते हैं वो एक स्पेशल टाइप का हेलिक्स है, और ये हेलिक्स होता है सिलेंड्रिकल हेलिक्स। मतलब जिसको हम किसी सिलेंडर की सरफेस पर बनाते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे पेड़ है, पेड़ का जो स्टेम होता है तो उसके चारों तरफ ऐसे करके जा रहा है वो, है ना, तो वो सिलेंड्रिकल हेलिक्स है। मतलब एक सिलेंडर की सरफेस पे बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जो हेलिक्स पढ़ते हैं वो एक स्पेशल टाइप का हेलिक्स है, और उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल हेलिक्स। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी गई है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। सिलेंड्रिकल हेलिक्स देखो, इसकी डेफिनेशन बच्चों यहां पर कुछ इस प्रकार से दी गई है। सिलेंड्रिकल हेलिक्स की क्या है देखो, इट इज अ कर्व, ठीक है, ट्रेस्ड आउट ऑन दी सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल, मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन, विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इसी फिक्स्ड डायरेक्शन को जनरेटर ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं, है ना, इसी फिक्स्ड डायरेक्शन को हम जनरेटर ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं। तो बच्चों क्या है देखो, ये कर्व है, मतलब सिलेंड्रिकल हेलिक्स क्या है, एक प्रकार का कर्व है जो कि सिलेंडर की सरफेस पर ट्रेस किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, ऐसे मान लो, अभी मैं आपको बताता हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब जो हेलिक्स है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लोगे तो वो कॉन्स्टेंट एंगल बनाएगा विद ए फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन क्या हो गया, जनरेटर ऑफ सिलेंडर। देखो थोड़ा सा पहले हम सिलेंडर को समझें, सिलेंडर को समझें। देखो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का मतलब वही जो आमतौर पे गैस का सिलेंडर यूज किया जाता है। देखो ध्यान दो, सिलेंडर का दिमाग में आते ही हम सोचते हैं जैसे भाई ये पेन है, तो ये पेन हमारा सिलेंडर की शेप का है। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि इसका बेस सर्कल है। हो सकता है सिलेंडर का बेस एलिप्स हो सकता है सिलेंडर का बेस पैराबोलिक हो,
तो सिलेंडर का बेस कुछ भी हो सकता है। जो सर्कुलर सिलेंडर है ये एक स्पेशल टाइप का सिलेंडर है। और यहां पर हमने देखो अभी तक सर्कुलर सिलेंडर की बात नहीं की, हमने इन जनरल एक सिलेंडर की बात की है बस, हमने सर्कुलर सिलेंडर की बात यहां पर बेटा नहीं की। लेकिन ज्यादा इमेजिन हम करते हैं सर्कुलर सिलेंडर ही दिमाग में अपने। तो हेलिक्स जो है वो किसी भी सिलेंडर की सरफस पर ड्रॉ किया गया कर्व है, चाहे वो सर्कुलर सिलेंडर हो, चाहे वो एलिप्टिकल सिलेंडर हो, चाहे वो पैराबोलिक सिलेंडर हो। हेलिक्स एक जनरल कर्व है जो किसी भी सिलेंडर की सरफेस पर हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये हमारा पैराबोलिक सिलेंडर होता तो हम इसकी सरफेस पर कर्व बना देते ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खास, अच्छा एक बात और समझो, जैसे कि मान लो ये अगर सिलेंडर है तो इस पे हमने एक लाइन ले ली, तो इस लाइन को जनरली हम जनरेटर कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हम ये एक फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल ले लें, इस रेक्टेंगल को इस लाइन के अबाउट घुमा दें, तो क्या होगा, एक सिलेंडर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो ये ऐसे, अगर हम इस रेक्टेंगल को इस लाइन के अबाउट घुमा दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये लाइन जो है ना ये सिलेंडर की जनरेटर हो गई, मतलब इस लाइन से हमने सिलेंडर को जनरेट कर दिया। अच्छा जो जनरेटर है वो जनरली एक्सिस के पैरेलल होगा, सिलेंडर का एक्सिस मतलब सिलेंडर के बीच से जाने वाली लाइन, तो जो जनरेटर है ना वो उसके एक्सिस के जनरली पैरेलल होता है। तो मतलब हम जो फिक्स डायरेक्शन लेते हैं वो सिलेंडर का जनरेटर ही ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर का जो जनरेटर है, जैसे कि मान लो ये हमारा सिलेंडर अगर है, तो अगर आप ये लेंगे ये इसका जनरेटर है मान लीजिए, इसके घूमने से बनेगा सिलेंडर, तो ये एक डायरेक्शन फिक्स हो गई। आप जनरेटर कहीं भी लेंगे वो डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, आप जनरेटर कहीं भी लेंगे डायरेक्शन उसकी वही रहेगी हमेशा। तो जो फिक्स डायरेक्शन है वो जनरली हम क्या करते हैं, सिलेंडर का जनरेटर ले लेते हैं। तो कई लोग इसमें अंतर नहीं कहते हैं, कई लोग फिक्स डायरेक्शन ना लिख करके जनरेटर ऑफ सिलेंडर ही लिख देते हैं, कि मतलब उसका एंगल, किसका एंगल, हेलिक्स पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का एंगल। जैसे कि मान लो ये सिलेंडर हमारा है ना, ये सिलेंडर है हमारा मान लो ऐसे करके, और हमने इस पर हेलिक्स बना दिया ऐसे करके, देखो ये हेलिक्स बना दिया हमने, तो इस पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट का एंगल किससे, जनरेटर से। मान लो ये जनरेटर है तो ये एंगल हमेशा ही हमारा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा कई लोग टेंजेंट वर्ड भी या ना यूज करके एंगल बिटवीन हेलिक्स एंड फिक्स डायरेक्शन कह देते हैं, वो भी मतलब वही है। अगर हम टेंजेंट और फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल लें, जैसे मैंने यहां लिखा है कि टेंजेंट और फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल लिखा है, कई लोग टेंजेंट का यूज ना करके सीधे सीधे हेलिक्स लिख देते हैं, कह लेते हैं कि हेलिक्स और एक फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब वही है। हेलिक्स और फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल मतलब हेलिक्स पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट और फिक्स डायरेक्शन का एंगल बात बराबर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पता नहीं कौन सी किताब पढ़े वहां पर वो क्या लैंग्वेज लिखे, आपके दिमाग में उल्टे ही ख्याल आए कि सर ने तो ये बताया था यहाँ ये लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कि चीजें ऐसे ऐसे लोग तोड़ मोड़ के लिखते रहते हैं यहाँ पर ये चीजें, ठीक है। और सिलेंडर भी देखो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये जो सिलेंडर है ना उसमें जो जनरेटर है ये इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा, किसमें, सर्कुलर सिलेंडर में। अगर सर्कुलर सिलेंडर, बल्कि कहना चाहिए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर क्यों, क्योंकि देखो ये जो इसका सर्कल है और जो सिलेंडर है ये अपने इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, जैसे तिरछा भी हो सकता है ना, जैसे सिलेंडर जो है ना वो तिरछा भी हो सकता है, तो राइट नहीं होगा। राइट का मतलब अपने सरफेस के सिलेंडर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको राइट, और बेस चूंकि सर्कल है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है ना। और सिलेंडर जरूरी नहीं कि राइट ही हो, है ना, मतलब सिलेंडर जो है अपने बेस के परपेंडिकुलर हो जरूरी ऐसा नहीं है इन जनरल। लेकिन यहाँ हम जैसे कह रहे हैं ना कि जनरेटर जो है वो किस में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में अपने एक्सिस के पैरेलल होगा, हर जगह नहीं, बाकी जगहों पर जरूरी नहीं कि हो, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो हमारा जनरेटर है वो उसकी एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। इस बात को जरा ध्यान रखना, हर जगह नहीं।
और यहां पर जो डेफिनेशन है वो जनरेटर, और जनरेटर की जो डायरेक्शन है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन मानी जाती है सिलेंडर के अंदर, कि जनरेटर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, इसलिए उसको हम फिक्स्ड डायरेक्शन भी कह सकते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहती है सिलेंडर चाहे कोई भी हो। ठीक है बच्चों, तो ये बात मतलब मोटे तौर पे हम ऐसा बोलें कि भाई हेलिक्स पर टेंजेंट ड्रॉ करूं और उस टेंजेंट और जनरेटर, वैसे भी हम यहां पर ज्यादातर जो हेलिक्स लेते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही हेलिक्स लेते हैं जनरली, फिर भी और भी केसेस यहां पर बनते हैं कई बार, उसका बेस कई बार पैराबोला भी ये लोग कर देते हैं सवालों में। ठीक है, तो खैर चलो, तो ये बेटा हेलिक्स की डेफिनेशन है अपनी। ठीक है, ये हेलिक्स की बेटा हमारी यहां पर डेफिनेशन है। अब देखो यहां पर हम लोग कुछ और बातों को समझे, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। देखो इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों यहां पर आता है। ठीक है, थ्योरम है अपने आप में कि ये हेलिक्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमें समझना होगा, और इसका प्रूफ भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो ध्यान दो बच्चों क्या थ्योरम है इसको जरा हम समझें। देखो ध्यान दो बच्चों, थ्योरम ये कहती है बेटा, देखो थ्योरम ये कहती है द नेसेसरी, ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन, ठीक है, फॉर ए कर्व टू बी हेलिक्स, ठीक है, इज दैट रेशियो ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्जन इज कॉन्स्टेंट। देखो कह रहे हैं अगर कोई कर्व एक हेलिक्स है तो उस कर्व का कर्वेचर और टॉर्जन का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, और ये नेसेसरी एंड सफिशियंट है बेटा। मैं तुमको इसके मतलब कई बार बता चुका हूं, नेसेसरी एंड सफिशियंट को ठीक है हम इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि रिजल्ट दोनों तरफ से सही है, मतलब कि अगर हेलिक्स है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा हो रहा है तो वो हेलिक्स होगा, तो ये रिजल्ट दोनों तरफ से सही है। ठीक है, और हेलिक्स की कंडीशन अपनी क्या होती है कि उस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट एक फिक्स डायरेक्शन से हमेशा कांस्टेंट एंगल बनाता है। फिक्स डायरेक्शन जो होती है वो सिलेंडर का हम जनरेटर ले लेते हैं। बात समझे बेटा, बोलो बात समझे। तो कह रहे हैं ये थ्योरम दो तरफ से हमको प्रूव करनी है कि अगर कोई कर्व हेलिक्स है तो उसमें कर्वेचर और टॉर्जन का रेशो कांस्टेंट होगा, एक बात तो ये प्रूव करनी होगी, हेलिक्स मान के चलना होगा और कर्वेचर और टॉर्जन का रेशो कांस्टेंट प्रूव करना होगा। सेकेंड टाइम में क्या करना होगा, कर्वेचर और टॉर्जन का रेशो कांस्टेंट लेके चलना होगा और प्रूव करना होगा कि वो हेलिक्स होगा। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम को हम पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का मतलब मैंने मान लिया कि जो कर्व है ये हेलिक्स है ना, लेट कर्व इज हेलिक्स, मैंने मान लिया कर्व एक हेलिक्स है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट कर्वेचर का मतलब वही कप्पा, कप्पा और टॉर्जन का मतलब टाउ, ये रेशियो क्या है हमारा कांस्टेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कर्वेचर का मतलब कप्पा और टॉर्जन का मतलब टाउ, तो कप्पा और टाउ का रेशियो कांस्टेंट प्रूव करना है, मतलब मान लिया कर्व हेलिक्स है और ये प्रूव करना है पहले पार्ट में। फिर उल्टा करेंगे, ये कांस्टेंट मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे ये हेलिक्स होगा, तो फर्स्ट पार्ट में फिलहाल हमें ये करना है। देखो अब समझो ध्यान से, चूंकि जो हमारा कर्व है हेलिक्स है, सिंस कर्व इज हेलिक्स,
क्योंकि कर्व हेलिक्स है, तो हेलिक्स की खास बात क्या होती है कि हम किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाएंगे उसका फिक्स डायरेक्शन से एंगल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हेलिक्स की खास बात है, ये हेलिक्स की डेफिनेशन है, अभी हमने देखा। अब इस थ्योरम से हमें हेलिक्स की एक डेफिनेशन और मिल गई। जैसे अभी तक हेलिक्स की डेफिनेशन बेटा ये थी कि उसकी टेंजेंट का किसी फिक्स डायरेक्शन से एंगल कांस्टेंट था। अब एक डेफिनेशन ये मिल गई कि अगर कप्पा और टाओ का रेशो कांस्टेंट है तब भी वो हेलिक्स हो गया। तो यहां से हमें एक और डेफिनेशन हेलिक्स की देखो मिल जाएगी। ठीक है, समझो, क्योंकि कर्व हेलिक्स है तो इसलिए एंगल बिटवीन टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट लाइन और उसका जो होता है वो टी होता है। टी क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट होता है। टी क्या होता है? टी मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। टी को आता ना और आर डैश होता ना टी, तो टी हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन को मैंने ए कैप मान लिया, जो फिक्स्ड डायरेक्शन उसको मैंने ए कैप मान लिया, इज कांस्टेंट। और एंगल क्या है बोलो? कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, तो टी मतलब टेंजेंट और फिक्स्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है बोलो? अल्फा। ठीक है, देखो करते हैं। तो क्या हुआ, T का A से डॉट प्रोडक्ट लें, है ना, T का A से डॉट प्रोडक्ट लें, क्योंकि T और A के बीच का एंगल अल्फा है। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट बोलो? मॉड ऑफ T, मॉड ऑफ A और कॉस अल्फा। मॉड T वन होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, ये भी वन हो गया। तो T डॉट A कैप, है ना, A कैप बार बार ना लिखो, खाली A लिखो। A का मतलब वही यूनिट वेक्टर ही है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये वन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये वन है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो गया? इनटू कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यहां देखा टी डॉट ए बराबर कॉस अल्फा, यहां से बच्चों हमको देखो मिल गया। अब देखो हम एक काम ये करें, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दें एस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट। देखो ए तो कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड डायरेक्शन है, तो ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? टी का होगा। तो हो गया डी टी बाई डी एस डॉट ए, ये तो ए ही रहेगा, और इधर अल्फा भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अल्फा मतलब फिक्स है ना, अल्फा फिक्स है, जो चीज़ें फिक्स हैं वो कांस्टेंट है। ए भी फिक्स है तो ए भी कांस्टेंट है। टी जो है वेरी कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप टेंजेंट अलग अलग बदलोगे टी वेरी कर जाएगा। भाई हेलिक्स है मान लो, यहाँ टेंजेंट लोगे डायरेक्शन कुछ होगी, यहाँ लोगे डायरेक्शन कुछ होगी, तो जैसे जैसे हेलिक्स आगे बढ़ेगा अलग अलग पॉइंट पर जो क्या होगा हमारा टेंजेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या हो गया, टी डैश हो गया, टी डैश डॉट ए बराबर जीरो हो गया। बोलो डी टी वाई डी एस को क्या लिख सकते हैं? टी डैश लिख सकते हैं। आप समझो जरा बच्चों ध्यान से, यहाँ पर टी डैश सेरेट फेरेट फार्मूले से टी डैश क्या होता है? कप्पा एन होता है। टी डैश को लिख सकते हैं कप्पा एन डॉट ए बराबर जीरो। ठीक है, सेरेट फेरेट फार्मूले से टी डैश क्या हो गया? कप्पा एन हो गया। अब कप्पा क्या है? कांस्टेंट है, स्केलर है, मतलब कप्पा क्या है? स्केलर है, स्केलर को बाहर ले लो तो क्या होगा? एन डॉट ए बराबर जीरो हो गया। स्केलर को बाहर ले जाओ, स्केलर से डिवाइड कर दो तो एन डॉट ए बराबर जीरो हो गया। मतलब n जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, या ऐसा कह दो कि a क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया n के। अच्छा n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यहां से ये हमको समझ में आया कि हमारा जो a है ये n के परपेंडिकुलर हो गया। n क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। लिखो जरा बच्चों पहले ध्यान से यहां पर। ठीक है बच्चों, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों, तो यहां से ये बात प्रूव हो गई कि ए जो है ये एन के परपेंडिकुलर है। एन का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। देखो इसको सबको मिटा देते हैं बेटा, इसको सबको मिटा दें एक बार, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमें यहां पर इसमें और काम करना है बेटा। अभी
अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है बच्चों, अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कप्पा और टाउ का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। ये हमको प्रूफ करना है बेटा कि कप्पा और टाउ का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। देखो ध्यान दो, तो यहां से एक बात प्रूफ हो गई कि ए एन के परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान दो, मैंने बताया था आपको, देखो वही सब अपने प्लेन, क्या एक होता है टी, एक होता है एन, एक होता है डी। ठीक है, टी क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल, ये सब आपको मालूम है पहले से। देखो टी और एन जिसमें होता है वो होता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, एन और बी जिसमें होता है ये अपना वही नॉर्मल प्लेन होता है, और टी और बी जिसमें होता है ये होता है अपना रेक्टिफाइंग प्लेन। तो सोचो चूंकि ए जो है वो एन के परपेंडिकुलर है, और एन क्या है, एन होता है टी और बी के परपेंडिकुलर, एन क्या होता है टी और बी के परपेंडिकुलर, और ए भी एन के परपेंडिकुलर है भाई, एन जो है ना वो टी और बी के परपेंडिकुलर है और ए भी एन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा टी और बी के प्लेन में हो जाएगा। बोलो भाई ए क्या है, देखो ऐसे समझो ये है ना टी एन और बी, ठीक है ना, बोलो। तो जैसे अगर कोई चीज एन के परपेंडिकुलर है, एन क्या है बी और टी के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कोई चीज अगर एन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो टी और बी के प्लेन में होगी। जैसे मान लो ये एन है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा ए जो है ये एन के परपेंडिकुलर है, तो भाई इस प्लेन में हो गया, और ये प्लेन क्या है, ये प्लेन एन के परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन एन के परपेंडिकुलर है, तो एन के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन। एन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन में क्या होता है, टी और बी से पास करता है भाई, टी और बी से पास करने वाला जो प्लेन होता है वो क्या होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन होता है। सोचिए तो ए क्या है, एन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए उस प्लेन में होगा जिस प्लेन में टी और बी हैं, और टी और बी होते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन में, इसका मतलब कह सकते हैं कि ए लाइज इन रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में बेटा बहुत डिटेल से मैंने बताया हुआ है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो पुराने वीडियो जाकर के पढ़िए, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे पुराने वीडियो बेटा अपलोडेड हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, सब कुछ वहाँ पर है बेटा। ठीक है, तो समझो ए जो है वो रेक्टिफाइंग प्लेन में है, तो इसका मतलब देखो ऐसा है, जैसे कि मानो रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होगा, जिसमें टी और बी होता, मान लो टी और बी में है, और मान लो ए ऐसे करके है, मान लो ए हमारा टी और बी के प्लेन में है, टी और बी का प्लेन मतलब रेक्टिफाइंग प्लेन ये होगी। मान लो ए का एंगल टी से अल्फा है, तो इससे एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, बस समझे, बोलो भाई। तो देखो जैसे अगर हम ए, अब इस बात को समझो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारा वाई एक्सिस है, मान लो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, जैसा हम पढ़ते हैं वेक्टर में, मान लो ये कोई वेक्टर है, और इसका एंगल यहां से अल्फा है, और यहां से 90 माइनस अल्फा है, तो देखो इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो ये ओ एन है, और मान लो ये पॉइंट पी है, तो हो जाएगा ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर। ओ एन वेक्टर का मतलब देखो ये ओ एन डिस्टेंस क्या हो गई, ये लेंथ हमारी ए है, क्योंकि OP जो हमारी लेंथ है ना वो क्या है, मॉड ऑफ A, दैट मीन्स A, OP लेंथ क्या हो गई A, ये डिस्टेंस क्या हो गई A। तो देखो OM क्या होगा, ये होगा A cos अल्फा, और वेक्टर में चेंज करना है तो I कैप, क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस A है, तो OM डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A cos अल्फा, बोलो cos अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगी, A cos अल्फा, और
क्योंकि ये डिस्टेंस ए कॉस अल्फा है, हमें वेक्टर चाहिए, तो उस डिस्टेंस को आई कैप से कर दिया मल्टीप्लाई, तो बन गया वेक्टर, है ना। ओ एन डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो है ए कॉस अल्फा, हमें वेक्टर चाहिए तो आई कैप से कर दिया मल्टीप्लाई। इसी प्रकार देखो जो एनपी डिस्टेंस होगी ना, एनपी डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, ए साइन अल्फा, सोचो, और इसको वेक्टर में चेंज करना है तो ए साइन अल्फा और इंटू जे कैप, ए साइन अल्फा इंटू जे कैप, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर देखो वही चीज है, ये टी और वी यूनिट वेक्टर है, तो हम ए को लिख सकते हैं क्या, ए कॉस अल्फा इंटू टी, टी क्या है यूनिट वेक्टर, प्लस क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इंटू बी, बी क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब ये आई की जगह टी ले लिया क्योंकि ये भी तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना, और जे की जगह बी ले लिया क्योंकि ये भी तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना भाई, टी और बी क्या होते हैं यूनिट वेक्टर ही तो होते ना बेटा, तो वही हमने यहाँ पर किया, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो ए को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए कॉस अल्फा, और चूंकि ऐसा कह सकते हो क्योंकि यहां पर जो ए है ना वो यूनिट वेक्टर है, यहां जो हमने ए लिया है वो खुद भी एक यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर मॉडुलस ए को आप वन कर सकते हो, तो इसकी जगह पर क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ओपी, ओपी डिस्टेंस यहां वन हो जाएगी, तो यहां पर वन लिख लो, यहां पर भी वन लिख लो, तो यहां से ए हट जाएगा, यहां से ए हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो ए है ना जो हमने अपने क्वेश्चन में लिया है वो भी तो एक यूनिट वेक्टर लिया है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वन, तो ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस वन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वन कॉस अल्फा, है ना, और ये क्या हो जाएगा वन इंटू साइन अल्फा, बस समझे ना, बिल्कुल वही चीज है, तो ए हट जाएगा उसकी जगह वन वन आ जाएगा, तो ए को क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा इंटू बी, ठीक है बच्चों, देखो समझो ध्यान से, अब हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है, तो मैं सब कुछ यहां से हटा देता हूं और इसको लिखता हूं, इसको लिखो जरा पहले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, तो ए किसमें होगा, रेक्टिफाइंग प्लेन में होगा, मतलब उस प्लेन में होगा जो कि एन के परपेंडिकुलर है, मतलब उस प्लेन में होगा जिसमें टी और बी आते हैं, क्योंकि टी और बी रेक्टिफाइंग प्लेन में आते हैं और रेक्टिफाइंग प्लेन हमेशा एन के परपेंडिकुलर होता है, बस समझे, देखो जल्दी से, चलो आगे बढ़े। तो ये जो ए हमको मिला है ना, इस ए को यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, और इस ए की देखो हम लोग यहां पर अभी ए का यूज करेंगे, देखो अब क्या हुआ, अब ए क्या हुआ, ए हो गया क्या बोलो कॉस अल्फा टी प्लस साइन अल्फा इंटू बी। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में कर दें डिफरेंशिएट, तो ए तो चूंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यहां पर कॉस अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एस हो गया, साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, बी का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी एस हो गया, ध्यान रखना अल्फा कांस्टेंट है ए बी कांस्टेंट है। अब डी टी बाई डी एस ये क्या होता है, टी डैश होता है बच्चों, तो डी टी बाई डी एस क्या होता है, टी डैश होता है, टी डैश क्या होता है कप्पा एन लिख सकते हैं टी डैश को, है ना, ये टी डैश हो गया, तो सेरेट फ्रेंड फॉर्मूले से इसको कप्पा एन लिख सकते हैं, ये साइन अल्फा बच्चों, और ये बी डैश हो गया, बी डैश डी बी बाई डी एस का मतलब क्या हो गया बी डैश, और सेरेट फ्रेंड फॉर्मूले से बी डैश को लिख सकते हैं माइनस का टाओ एन, है ना, बी डैश क्या हो गया माइनस का टाओ एन, ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो गया, इसको धन लाए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, इसको धन लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा टाओ एन बराबर कॉस अल्फा कप्पा एन। अब हमें कप्पा अपॉन टाओ चाहिए था, देखो एन से एन कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ एन है, एन से एन कैंसिल कर सकते हैं, बस समझे, एन से एन यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, या ऐसा करो कि कैंसिल करो मत, इसको एक तरफ ले आओ, ज्यादा अच्छा देखो ये होता है, कैंसिल ना करो, एन को कॉमन ले लो, तो टाओ साइन अल्फा माइनस कप्पा कॉस अल्फा बराबर जीरो, ऐसे लिए क्योंकि n एक वेक्टर है ना, वेक्टर को वेक्टर से ऐसे कैंसिल ना करो, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर से डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए काटते नहीं है, n क्या है एक वेक्टर है। अब देखो वेक्टर इंटू दिस बराबर जीरो है, अब इसको ऐसे समझिए, वेक्टर इंटू दिस, मान लो अगर हम लिखें 2a बराबर 3a और आप a को ऐसे काट दें तो गलत माना जाएगा ना फिर वो, है ना, ऐसे नहीं काटना चाहिए, तो इसलिए हमने कहा काटो नहीं, इधर ले आओ, और हाँ अब देखो इधर क्या हुआ,
अब देखो n into this scalar है और बराबर जीरो है, तो सब कुछ जीरो है, तो सब कुछ जीरो का मतलब क्या हुआ कि n तो जीरो नहीं होगा, यही टर्म जीरो होगा, tau sin alpha minus kappa cos alpha बराबर जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि n तो जीरो नहीं है, n तो हम जानते हैं ना बेटा यूनिट वेक्टर है, वो जीरो थोड़ी होगा, इसके साथ वाला टर्म जीरो होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई जीरो हो पाएगा ना, समझो भाई, अगर x into y बराबर जीरो है तो अगर x जीरो नहीं है तो कन्फर्म है y ही जीरो होगा, तो वही हमने किया, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या हुआ कि tau sin alpha बराबर kappa cos alpha, तो देखो क्या हुआ, sin alpha upon cos alpha बराबर kappa by tau, और देखो ये क्या है कांस्टेंट, तो kappa upon tau का बच्चों जो रेशियो है देखो वो कांस्टेंट आ गया, यही हम चाहते थे, तो kappa upon tau का रेशियो क्या आ गया tan alpha, और tan alpha क्या हो गया बोलो कांस्टेंट हो गया, और यही हम चाहते थे, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों ये एक पार्ट टू हो गया, हमने माना कर्व हेलिक्स है और प्रूव कर दिया कि kappa और tau का रेशियो क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये एक पार्ट यहां से प्रूव हो गया। दूसरा इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब हम ये मान के चलें कि kappa upon tau कांस्टेंट है और कर्व हेलिक्स होगा, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये मानना है कि लेट kappa upon tau इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रूव करना है कि हमारा जो कर्व है वो हेलिक्स है, ये। तो अब आप क्या करोगे, देखो अब हमें kappa upon tau का रेशो कांस्टेंट लेना है और प्रूव करना है कि कर्व हेलिक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस लेंगे, पहले ये लिखेंगे, ठीक है, फिर ये लिखेंगे, यहां से यहां आएंगे, 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 तो बिल्कुल बच्चों हमें इसका यहां पर देखो उल्टा प्रोसेस करके चलना है, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और यहां से यहां आने के बाद, अच्छा लिखो पहले इसको, लिखो बताते हैं, लिखो बताते हैं, ठीक है, लिखो जल्दी लिखो पहले इसको यहां तक, तो अगर आप देखो बता रहा हूं इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसके यहां तक उल्टे स्टेप लिखिए, सब कुछ इसका उल्टा कर दीजिए, समझ गए ना। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए पहले ये स्टेप लिखिए, यहां से यहां जाइए, यहां से इसका उल्टा लिखते चाहिए, और यहां तक इसका उल्टा लिखिए, यहां तक इसका उल्टा लिखिए, मतलब इसको उल्टे ऑर्डर में आप लिखिए और यहां तक लिखिए, बस समझे, इसको मान के ये प्रूव करना है तो इसको उल्टे ऑर्डर में लिखिए, यहां तक लिखिए। अब यहां तक लिखने के बाद लिखो लिखो जल्दी लिखो, यहां तक लिख, पहले ये लिखो, ये हटा दो यहां से, इसको हटा दो, तो पहले ये लिखो, इससे यहां लिखो, यहां से यहां लिखो, यहां से यहां लिखो, बिल्कुल इसका उल्टा ऐसे लिखना, यहां तक लिखना है, और यहां तक लिखने के बाद देखो अब हम क्या करेंगे, समझो, देखो यहां तक लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई डी एस ऑफ टी कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई, बी स्पेक्ट टू एक्स किया ना डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो डी बाई डी एस लिख लिया, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं। अब समझो जरा बच्चों ध्यान से कि चूंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो इसको मैंने कांस्टेंट ए कैप मान लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, तो ये टर्म क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसको मैंने कांस्टेंट ए कैप मान लिया, ठीक। अब दोनों तरफ हम टी से डॉट प्रोडक्ट कर दें, दोनों तरफ हम टी से देखो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, इधर भी टी से डॉट प्रोडक्ट कर दें, वही ए वेक्टर, ए कैप मतलब ए कैप ना लगाओ, वो यूनिट वेक्टर ही है माना जाएगा, दोनों तरफ बच्चों हमने T से कर दिया है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बात समझे। इससे इसको लेके चलना है, प्रूव करना है कर्व हेलिक्स है, ठीक है,
इसको लेकर चलना है, प्रूव करना कर्व हेलिक्स है, तो पहले इसको लिखा, इसको लेकर चलना, इससे यहां गए, इससे यहां गए, इससे यहां गए, उसको उल्टी ऑर्डर में लिखना है आपको, और उल्टी ऑर्डर में यहां तक लिखने के बाद फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमें प्रूव करना है कर्व हेलिक्स है। देखो हमें प्रूव करना है कि कर्व हेलिक्स है। अब देखो क्या करना है, समझो टी से डॉट प्रोडक्ट लिया, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये होगा कॉस अल्फा और टी डॉट टी प्लस, देखो ये क्या होगा साइन अल्फा और क्या होगा बोलो टी डॉट बी, और यहां भी देखो टी डॉट ए, टी डॉट ए ही रहेगा, बस समझो टी डॉट टी जो है ना, टी डॉट टी का मतलब मॉड टी कॉस जीरो, भाई समझो मैंने बताया था पहले भी आपको कई बार ये बात, तो है ना ये बात मैंने कई बार आपको बताई पहले बेटा कि अगर a डॉट a लें तो इसका मतलब क्या हुआ mod a cos 0, भाई a डॉट b की डेफिनेशन क्या होती है mod a b cos अल्फा, तो a डॉट a की वैल्यू क्या होगी mod a cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, भाई डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ना बेटा a डॉट b क्या होता है mod a b cos अल्फा ना, तो अगर हम a डॉट a करेंगे तो क्या होगा mod a cos 0 क्योंकि a और a के बीच का एंगल 0 हो गया ना, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या हो गया mod a का स्क्वायर हो गया, और mod a देखो यहां पर ये mod t का स्क्वायर हो गया बिल्कुल वैसे ही, और cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, और mod t कितना होता 1 क्योंकि t क्या है यूनिट वेक्टर है, तो t dot t 1 हो गया, अच्छा और t dot b 0 हो गया क्योंकि t और b कैसे हैं परपेंडिकुलर, भाई t एंड b, t और n और b ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, क्योंकि कॉस अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 90, बाय डेफिनेशन में कॉस आता है ना, कॉस ऑफ दैट एंगल, उनके बीच का एंगल, भाई ए डॉट बी का मतलब क्या बोलो, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा या कॉस थीटा, तो अगर इनके बीच का एंगल जीरो है, अगर इनके बीच का एंगल 90 है, जैसे देखो टी और बी के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90 आएगा, कॉस 90 का मतलब वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टी और बी चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये बात कई बार आप समझ चुके हैं पहले भी, ठीक है, तो यहां से क्या देखो मिला, यहां से ये मिला कि t dot t 1 तो क्या आ गया cos alpha plus ये क्या हो गया 0 बराबर t dot a, तो t dot a बराबर cos alpha, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे क्या कि t और t dot a का मतलब क्या हुआ mod t mod a, मतलब t और a के बीच का एंगल क्या हो गया कांस्टेंट, मान लो t और बीच के बीच का एंगल थीटा है ना, तो mod t1 mod a भी 1, मान लो t और a के बीच का एंगल थीटा है, मान लो t और a के बीच का एंगल थीटा है, तो mod t भी 1 क्योंकि t यूनिट वेक्टर है, mod a भी 1 क्योंकि a यूनिट वेक्टर है, तो क्या बचेगा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो गया अल्फा का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, और यही तो हम प्रूव करना चाहते हैं बेटा कि हेलिक्स कब होता है जब टेंजेंट और फिक्स्ड डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो जाए कांस्टेंट, वही देखो प्रूव हो गया कि टेंजेंट मतलब टी और ए मतलब फिक्स डायरेक्शन, टी और ए के बीच का एंगल क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, क्योंकि अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा हमारा है कांस्टेंट, ठीक है, टी और ए का मतलब फिक्स डायरेक्शन, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट किसकी कर्व की टेंजेंट, तो कर्व की टेंजेंट और फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या आ गया कांस्टेंट, इसका मतलब ये कर्व क्या हो गया हेलिक्स हो गया, बात समझे, टेंजेंट और फिक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये कर्व क्या हो गया, ये कर्व बेटा हेलिक्स हो गया, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि ये कर्व हेलिक्स होगा। तो बच्चों इस तरीके से बहुत थक हार के ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये थ्योरम दोनों तरफ से सही है, और ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, इंजॉय करिए, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपके यहाँ आएगा, इसको याद रखना बच्चों, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो बच्चों पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, और हाँ ये सब बिना देखे भी एक बार करा करिए, एक बार नोट्स बनाइए और बिना देखे इसको करिए, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।